बाढ़ झेल रहे प्रदेश पर पानी का संकट गहराता जा रहा है। आलम यह है कि करीब 18,000 गांव ठाड़ियों में पानी की किल्लत है, लेकिन गहलोत सरकार ने लोगों की प्यास बुझाने का वीणा उठाया है। हाल ही में होने वाली हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तमाम मंत्री और विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में एक तो तापमान बेलगाम, उस पर पेयजल संकट की समस्या उबाल मारने लगी है। शहरी और ग्रामीण दोनों अंचलों में पेयजल संकट गरमाया हुआ है। 38 शहर और 18,000 से ज्यादा गांव और ढाणियों में पानी का संकट मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए गहलोत सरकार पेयजल संकट के लिए समीक्षा बैठक बुलाने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि प्रदेश के हर नागरिक को पेयजल उपलब्ध हो, उसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पानी की समस्या बहुत भयंकर है, किल्लत पूरे प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर है। आप रोज खबरें पढ़ रहे हैं कि हर राज्यों से कैसी स्थिति आ रही है, तरह तरह मची हुई है। तब भी हमने हैंडपंप ट्यूबवेल को मरम्मत भी करवाए, नए खुदवा रहे हैं। लोगों की प्यास बुझाने के लिए सरकार ने कई जगह टैंकर लगाए हैं, लेकिन 18,000 गांव ढाणियों में इसकी भी व्यवस्था नहीं है। यहां पाइपलाइन के जरिए ही 2 से 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई की जाती है। सरकार का दावा है कि पेयजल संकट से राहत देने के लिए बंद पड़े 1,330 नलकूप और 3,843 हैंडपंप चालू कराए गए हैं। 38 शहरों की प्यास बुझाने के लिए रोजाना 2,873 टैंकर ट्रिप्स परिवहन किए जा रहे हैं। इसी तरह 3,161 गांव और ढाणी में पानी की आपूर्ति करने के लिए 3,733 टैंकर ट्रिप रोजाना भेजे जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट करें पानी को टैंकर के माध्यम से, उसके बावजूद भी पानी की समस्या है कई जगह, मुझे मालूम है। हम लोग कल परसों रिव्यू करने वाले हैं, पर पब्लिक को भी चाहिए ऐसे वक्त में वो साथ दे, सहयोग करे, पानी का जो बचत है उसको पूरा ध्यान रखे और सब मिलके इस समस्या के समाधान के लिए या जो स्थिति बन गई है उसे हम पार पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में साल 2017 तक साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए 89,956 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस राशि का 90% हिस्सा कई योजनाओं के क्रियान्वयन में खर्च हो चुका है। बावजूद इसके आज भी करीब 3.77 करोड़ लोग हर साल दूषित पानी के इस्तेमाल से बीमार पड़ रहे हैं। अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।